आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस चेंज करने का तरीका बताऊंगा। अक्सर क्या होता है कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर बाईपास लगता है, ये जब टूट जाते हैं तो फिर जब हमें जो है ये पूरा एरिया जो है वो चेंज करना पड़ता है बाईपास का। ये इसे बाईपास की बेस भी बोलते हैं और सादे लफ्ज़ों में इसे बाईपास की हड्डी भी बोला जाता है। देखें, इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इसको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको चेंज कर सकें तो आप इसको चेंज कर लें। अदरवाइज़ जो ये काम है वो मेरे ख्याल से टेक्नीशियन का है, ऑपरेटर बंदा जो है वो इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वैसे इसका तरीका बता देता हूँ। अगर आपका माइंड थोड़ा बहुत टेक्निकल माइंड है तो फिर जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज कर सकते तो प्लीज़ जो है वो आप अपने टेक्नीशियन को बुला के उससे जो है वो ये चेंज करवाएं। तो मैं आपको ये इसका तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको चेंज किया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसका ये पीस खोला, आपने सामने से इसके यूनिट खोलने के बाद, फिटिंग यूनिट खोलने के बाद, आपने इसको हाथ से पकड़ के यहाँ से मशीन को आपने ऊपर की तरफ जो है वो उठाना है। जैसे आप इसको आपने 2-1 इंच जो है वो ऊपर उठाना है। जैसे आप ऊपर उठाएंगे तो ये प्लेट जो है वो थोड़ी सी जो है वो लूज़ हो जाएगी और आपको यहीं से पकड़ के जो है वो आप नई प्लेट जो है वो रख सकते हैं। कोशिश करें कि 2 बंदे जो है वो इसको चेंज करें, एक बंदा मशीन को उठाए और एक बंदा जो है वो इसकी जो प्लेट है वो इसके अंदर रखे। अब मैं यहाँ से अकेला बंदा हूँ तो मैं इसको यहाँ से उठा के इसके अंदर फिक्स करता हूँ दूसरी प्लेट को। ऐसे इस प्लेट को रखने के बाद आपने इसकी जो है वो कंप्लीट से फिटिंग करनी है। याद रहे कि ये जो लोहे वाली शाफ्ट है ये अंदर सही तरह बैठनी चाहिए। उसके बाद इसके जो है वो आपने कंप्लीट जो है वो पेच लगाने हैं। जब आप इसके सारे पेच वगैरह यहाँ पे लगे हुए जो सारे फिटिंग यूनिट वगैरह लगा लेंगे, लगाने से पहले आपने यहाँ पे ये जो 2 ब्लैक कलर की ग्रिप हैं ये बाईपास के कनेक्शन के होते हैं,
ये आपने लगा लेने पहले ही, ये आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ मशीन के अंदर से, ये आपने लगा के उसके बाद जो है वो फिटिंग यूनिट, ये देखें जी ये लग गए दोनों। ग्रिप लगाने के बाद आपने इसके फिटिंग यूनिट लगा देने यहाँ पे, और इनके जो दोनों के पेच हैं वो लगा देने, अंदर से इनके कनेक्शन भी कर देना है। इनके दो ग्रिप होते हैं दोनों के अलग अलग अलग। ये हो गई जी आपकी प्लेट चेंज, मैं आपको अभी ये दिखाते। तो आप याद रखें कि आपने इसको बैठाना सही से, और फिटिंग जो है इसकी सही करनी, और पूरे पेच लगाने, ये इसके बैक साइड के पेच लगे हुए हैं।